सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पदभार संभालने के एक दिन बाद सोमवार को कहा कि भारतीय सेना देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। सेना प्रमुख ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। भारतीय सेना द्वितीय संचालन चुनौतियों का सामना करती है। ऐसे खतरों और विनाशकारी आवश्यकताओं के लिए तैयार रहने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी से निरंतर लैस करते रहें, साथ ही अपनी युद्ध लड़ने की रणनीतियों को भी विकसित करते रहें। भारतीय सेना परिवर्तन की राह पर है। हम आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा रखते हैं। इसे हासिल करने के लिए हम स्वदेशी पहल को प्रोत्साहित करेंगे। अपने देश में निर्मित अधिकतम युद्ध प्रणालियों और उपकरणों को शामिल करेंगे। मैं देश और साथी नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना सभी मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम और तैयार है। आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थिएटर कमांड शुरू करने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पर नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय करना होगा। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। लगभग 40 वर्षों के लंबे करियर में उन्हें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर व्यापक ऑपरेशनल अनुभव है। इसके साथ ही अलग अलग कमांड स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम करने का भी अनुभव है।